क्या बात है, स्वयं स्वयं इंसाफ का देवी हमारे थाने में पधारी है। ओहो भाग्य हमारे। काश ये बात मैं तेरे लिए भी बोल पाता। जय हिंद मैडम। जय हिंद। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? कोनो रिश्ता विश्ता का प्रस्ताव लाए हैं हमारे इस साले के लिए? रिश्ता हमारा? विश्वास नहीं हो रहा। नहीं, विश्वास नहीं हो रहा कि कोनो इंसान से भी तुम्हारा शादी हो सकता है। इंसान और इंसानियत से तो हमारा भरोसा उसी दिन उठ गया था जिस दिन हमारी दीदी की शादी हुई थी। देखिए रिश्ता तो है ही है? आरोपी का कंप्लेन से रिश्ता होता है तभी तो कार्यवाही आगे बढ़ती है ना, बस इसीलिए आ गए। अरे क्या बतिया रही हैं आप, मतलब क्या रिश्ता, कौन कंप्लेन किया है और कौन आरोपी? आप हैं आरोपी। आपके खिलाफ आपके घर की मेड डिंपल ने कंप्लेन की है कि आप उसे छेड़ते हैं, उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोमांटिक बातें करते हैं। नीच जलील दो कौड़ी का गिरा हुआ इंसान। अरे हम तो कहते हैं इसको जेल में डालिए, इसको फांसी पे लटका दीजिए। अरे ये सब बकवास है, बकवास है ये सब। अरे झूठ है ये सब, उल्टा उल्टा वो हम पे डोरे डाल रही थी। झूठा आदमी। अरे अरे अनारकली जैसा बड़ा बड़ा संवाद चेप रही थी, मोहब्बत का मुरब्बा दीवार में चुनवा देंगे। अरे ये का बवाल है ना, मतलब एक औरत अगर मर्द पे डोरे डालेगी तो भी मर्द पे ही आरोप लगेगा। अरे हमारे पास और कोनो काम नहीं है का? इसके अलावा बहुत काम है हमारे पास काम के लिए। क्या बात है पांडे जी, आप वो काला धागा जो आपके हाथ में है बहुत खास है लगता है आपके लिए। नहीं बस इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक बाबा ने हमारी अम्मी को भी ऐसा ही काला धागा दिया है। उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब रहती है ना, इसलिए। हमको भी धागा एक बाबा ने ही दिया है काम के लिए। पांडे जी हम आपके थाने आए हैं, कॉफी वगैरह नहीं पिलाएंगे हमें? कॉफी लेके आओ। मतलब हम जा रहे हैं कॉफी लाने। कहिए क्या हाल है जी? तो ऐसा है पाप नाशक बाबा के पास जाते हैं आप, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। हम अच्छे से जानते हैं कि आप इन बाबा के पास जाते हैं अपनी अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढने के लिए। आपके बाल झड़ने की प्रॉब्लम तो हमें समझ में आती है, लेकिन अच्छी पत्नी के बारे में ये सब क्या है? आप दूसरी शादी करना चाहते हैं क्या? अरे नहीं है, ऐसा कोनो बात नहीं है। कहा कि हमारी पत्नी हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, हमारा बिल्कुल इज्जत नहीं करती, अंगूठे के नीचे दबा के रखती है हमको, इसलिए थोड़ा सा खिन्न है अपने वैवाहिक जीवन में। अच्छी पत्नी का मतलब हमारा दूसरी पत्नी नहीं था, दूसरी शादी नहीं था, बस यही पत्नी अच्छी हो जाए इस बात से था। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखिए आप एक बात बताइए, अगर हम ये बात साबित कर दें कि आपकी बीवी वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, इनफैक्ट वो आपसे बहुत प्यार करती है, तो हमारी पत्नी और हमसे प्रेम? अरे हो ही नहीं सकता। अरे उसका बस चले तो हमारी हमारी छाती पे बैठ के हमारा कलेजा उखाड़ के खा ले, इतना इतना नापसंद है हम उनको। ठीक है एक मिनट पल्लवी जी, आपसे कुछ बात करनी थी, आप एक घंटे में मिल सकती हैं हमें? हम आपको लोकेशन भेजते हैं जी। और आप हमारी बात का यकीन कीजिए और हम पर भरोसा रखिए, आज आपकी मैरिड लाइफ की बहुत सी गांठें सुलझ जाएंगी। तकिया हसीना जी आप खिजोले हैं, वक्त बर्बाद कर रही है, वो हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, कह रहे हैं। पांडे जी आप जाकर छुपिए, छुपिए, आपकी बीवी आती होंगी, जाइए जल्दी। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, जल्दी। मैडम मैडम क्या हुआ, कुछ पता चला हमारे पति के बारे में? देखिए पल्लवी जी हमने और इन्वेस्टिगेशन की है लेकिन हमें कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, इसलिए हम लोग इस केस को बंद कर रहे हैं। पुलिस के पास इतना फ्री वक्त नहीं है कि हम आपके इमेजिनरी केसेस बैठकर सॉल्व करें, हमारे पास असली केसेस हैं, इसलिए प्लीज एक पुलिस ऑफिसर का वक्त पर बात करना बंद कीजिए। हमारे पति का जान खतरे में है मैडम, उनको बचा लीजिए, उनको अगर कुछ हो गया ना तो हम नहीं जी पाएंगे, बहुत प्यार करते हैं हम अपने पांडे जी से। प्यार प्यार करती है आप अपने पति से? अरे क्यों आप यहाँ खड़े होकर झूठ बोल रही? हम अच्छे से जानते हैं कि आप अपने पति से बिल्कुल प्यार नहीं करती, उन्हें डोमिनेट करके रखती हैं, उन्हें डिसरिस्पेक्ट करती हैं। लेकिन वो तो इसलिए
कि उन पर हमारा डर बना रहे हमेशा। बहुत इनसिक्योर रहते हैं हम मैडम कि अगर वो हमसे आज ही जा गए और हमको ठुकरा दिया तो। इसलिए हमेशा उनको अपने पास रखने के लिए जो तरीका ठीक लगा वो आजमाया। बहुत प्यार करते हैं हम अपने पांडे जी से। पल्ला पल्ला पल्लवी पल्लवी हम भी तुमको बहुत ही चाहते हैं पल्लवी जी, दिलो जान से चाहते हैं। पल्लवी जी, ये आपके पति बुलबुल पांडे ही हैं, कोई बहरूपिया नहीं है। और आप जानती हैं ये जो इस तरह का अजीब बिहेवियर कर रहे थे वो ये सिर्फ एक उपाय था जो किसी बाबा के कहने पर आकर ये कर रहे थे। बुलबुल जी, आप समझाइए तो बेहतर होगा। हाँ, वो बात दरअसल ऐसा है कि वो एक अच्छा, तो इतने दिनों से आप जो हमसे मीठी मीठी बातें करते थे, लल्लो पच्चो करते थे, वो सभी बाबा के कहने पर, और हम है कि इस झूठे मकार और फरेबी आदमी के पीछे पीछे तुले जा रहे थे। अरे क्या कर रही हो पल्लवी जी, हमरा बात तो सुनो। देखो खबरदार, जो हमको टच किए तो नजदीक भी मत आना हमारे, ठीक है? अब घर आइए, फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है ठीक है। अरे अरे समझाइए जरा इनको। चली गई, अब क्या करें हम? हमारा नसीब कभी ठीक नहीं होगा, कभी खुशी कभी गम नहीं है, हमेशा ही गम है गम है। जाइए जाइए, मनाइए उन्हें, जाइए जाइए। हाँ, 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 चलिए, ये केस तो सॉल्व हो गया। अब टेररिस्ट वाले केस के बारे में डिस्कस करने के लिए डीएसपी सर के ऑफिस चलते हैं। गाड़ी निकालिए। ओके मैडम सर। चीता भाई, चीता भाई, इधर कैसे आना हुआ? ठीक है सब? अरे ये पार्टी देने के लिए आए हैं, बुलबुल पांडे का केस सॉल्व हो गया ना। अरे हटाओ भाई पार्टी वार्टी, केस दुनिया के लिए सॉल्व हुआ है, हमारे लिए नहीं है। चीता भाई, हमको अपनी दीदी और जीजा के लिए आप लोगों की मदद चाहिए, प्लीज। एक मिनट, कहा बोल कर रहे हैं आप? कहा है ना चीता भाई, समस्या ये है कि जब से ही कांड हुआ है ना, हमारे दीदी के घर में कलेश का धमाका फूट रहा है। हमारी दीदी जीजा से बहुत अपसेट है, लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारा जीजा चाहे जैसा भी हो, नीच हो, गिरा हुआ इंसान हो, चोर हो, चुहार हो, लेकिन हमारी दीदी से प्यार बहुत करता है। अब हम अपनी दीदी का गृहस्थी बचाना चाहते हैं, उनको बहुत मानते हैं ना, उनको खुश देखना चाहते हैं, इसलिए चीता भाई प्लीज प्लीज हमारी मदद मत करो। ये छो, नहीं यार पैर मत छो यार चंपक भाई, हम मानेंगे तुम दुश्मन खेमा के आदमी हो, लेकिन हमारे और तुम्हारे बीच वर्दी का रिश्ता तो है ना। वैसे भी तुम्हारा मनसा बहुत नेक है, तो तुम्हारा जीजी को ये एहसास तो दिलाएंगे हम लोग कि तुम्हारा जीजा उनसे कितना ज्यादा प्यार करता है। एक काम करो, तुम अपने जीजी और जीजा को दोनों लोग को लेकर यहाँ थाने में चले आओ। मतलब कुछ भी बोल देना कि हसीना मैडम बुलाई है, केस का क्लोजिंग है, साइन चाहिए, कुछ भी बोलकर खाली यहाँ पर लेते आओ तुम। फिर तुम अपने जीजी और जीजा को थाना में लेकर आओगे तो थाना पर होगा हमला, आतंकवादी हमला। और आतंकवादी बनेंगे ये, आतंकवादी नंबर वन, आतंकवादी नंबर टू, फिर दोनों आतंकवादी मिलकर तुम्हारे दीदी को किडनैप करने की कोशिश करेंगे। और जाहिर सा बात है कि जब तुम्हारे दीदी का किडनैपिंग हो रहा होगा तो तुम्हारा जीजुआ इतना नकारा तो है नहीं ना कि हाथ पर हाथ रख के देखता रहेगा क्या हो रहा है ना, बचाने का कोशिश तो करेगा। उसी समय तुम्हारी दीदी को यह एहसास होगा कि तुम्हारा जीजुआ चाहे जितना भी नकारा आदमी है, जितना चोर चुहार चुट्टा इंसान है, प्यार बहुत करता है तुम्हारे दीदी से। हो गया ना केस सॉल्व? है, हम सब जानते हैं, लेकिन आप लोग भी तो जानने की कोशिश कीजिए, या जानने की कोशिश करना ही नहीं चाहते। इस केस में आप लोगों ने मीरा जी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अरे भाई, इस केस में आपकी भलाई हो सकती थी, इस केस में आपकी हेल्प हो सकती थी, ये केस और जल्दी सॉल्व हो सकता था। हमें इसका जवाब चाहिए कि आप लोगों ने मीरा जी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। सर देखिए, हम मानते हैं कि बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद मीरा हमें नहीं बता पाई कि वो टेररिस्ट कहाँ छुपे हुए हैं। सर देखिए क्या है, मीरा एक मशीन है और वो गलत भी हो सकती है। मीरा का पूर्वानुमान था कि बुलबुल पांडे जी को हमारे थाना में गोली लग जाएगी, लेकिन ये केस तो खत्म हो गया है और बुलबुल पांडे जी ने हमारे थाने में कदम तक नहीं रखा है। We'll be right back.
18 गोटी होम। बिल्ले 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 देख रहा है कितना कितना ज्यादा कैरेक्टर में बिना सुने निकल गया। बस अच्छा काम अच्छा कर बस। सॉरी सर एक मिनट सर थोड़ा अर्जेंट है प्लीज। चीता हाँ चीता कहो जल्दी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। वो ना चंपकवा आया था है ना बुलबुल सर का साला। हाँ हाँ बड़ा परेशान था मैडम सर। मदद मांग रहा था कह रहा था कि उसके घर में ना रोज झगड़ा चल रहा है। उसके दीदी और जीजा के बीच में ना कुछ भी ठीक नहीं है ना। दीदी को भरोसा ही नहीं हो रहा कि उसके जीजा जी उससे प्यार करते हैं। तो इसी चक्कर में ना हमने एक नाटक का आयोजन किया है। तो बस ये बात हम सोचे कि आपके जानकारी में रहना जरूरी है इसीलिए आपको बता दिया मैडम सर। इसका मतलब बुलबुल पांडे और उसकी बीवी अभी थाने आने वाले? आने वाले नहीं आ चुके हैं। ठीक है ओके सर। मीरा की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हो गई। बुलबुल पांडे और उसकी बीवी हमारे थाने पहुंच चुके हैं। मीरा तुम सबसे तेज जा सकती हो तुम अभी निकलो। मैं नहीं जा सकती मेरी बैटरी लो है। अच्छा ठीक है तो सर हम निकलते हैं। ठीक है आप लोग जाइए और बुलबुल की जान बचाइए। जय जय हिंद सर। जय हिंद। चल अरे चीता भाई क्या हुआ? पता नहीं यार मैडम सर फोन काट दी। आवाज से तो टेंशन में लग रही थी लेकिन टेंशन है कौन बात। ये बिलौटा एक बलवा असली का ट्रेस थोड़ी है सब। नहीं मतलब सचमुच में थाना में थोड़ी हमला होने वाला है। फिर किस बात का टेंशन? तुम चाय भाई पिलाओगे? हाँ देर टेंशन मत लो। दे ना दे चाय दे। आतंकवादी एक मैं। तुमको कब बोला बोला? जीता भाई इधर आओ। आइए आ जाओ आ जाओ। जीता भाई इधर आओ। आतंकवादी एक मैं था कि नहीं? ये आतंकवादी दो था ना? एक मिनट आतंकवादी एक दो छोड़। अगर तुम दोनों यहाँ पर है तो भीतर आतंकवादी टाइप इंसान कौन घुसा है सर? भीतर आतंकवादी टाइप? ये बाप रे भागो। एक मिनट कहाँ भागो? उधर चलो। अगर हमारे वाइफ को कुछ हुआ ना तो कसम से छोड़ेंगे नहीं किसी को। पुलिस वाले हम है। जो भी हिसाब किताब करना हमारे साथ करो। देखो ये थाना अब हमारे कब्जे में और इन दोनों भी जब तक सरकार हमारी शर्तें मान नहीं लेती तब तक ये हमारे कब्जे में रहेंगे। उनकी शर्त पूछो। बता दिए सरकार। क्या बता दिए? तुम पुलिस में हो कैसे रे पुलिस में इसको बोल? अरे ये कौन है? पीछे जाओ। अरे यार ये कौन है? अरे कास्टिंग चेंज। अरे फंड का प्रॉब्लम था तो हमको बताया होता ना। अब ऐन मौके पे ऐसा करोगे अच्छी बात नहीं। यहाँ बता रहे हम। अच्छा तो ये अरे हटा हटा ये सब तुम्हारा किया धराया है चेपू? हाँ नौटंकी चल रहा है यहाँ पर। ये सब नकली नकली गुंडा लोग ये बंदूक नकली सब ये सब तुम्हारे जीजा का प्लान है ना हमारे सामने हीरो बनने के लिए। लेकिन विलन आखिर विलन ही रहता है वो कभी हीरो नहीं बन सकता समझे? नकली बंदूक। ए चेपू दीदी उखड़ गई तुम्हारी संभाल भाई। ये भाई असली आतंकवादी है समझाओ। असली ए दीदी ये ओरिजिनल है। ये बंदूक भी असली है और हम भी असली है। मीरा
जी सर, मीरा को टेस्टिंग के लिए लैब भेज दिया गया है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। थैंक यू सर। जय हिंद। ओके, तो ये बात अब कंफर्म हो चुकी है कि हमारे थाने में जो टेररिस्ट आए थे, ये वही टेररिस्ट थे जो हमारे शहर में बहुत बड़ी एक एक्टिविटी प्लान कर रहे थे। इनफैक्ट डीएसपी सर बहुत खुश हैं कि हमने हमारे शहर पर आने वाले एक बहुत बड़े खतरे को इतनी एफिशिएंटली टाल दिया है। सो गुड जॉब। इनफैक्ट एक और बात, डीएसपी सर इतने इंप्रेस हो गए हैं कि वो आने वाले फंक्शन में, पुलिस फंक्शन में, हमारा नाम रेकमेंड करने वाले हैं फॉर बेस्ट थाना। सो गुड जॉब। एक और अच्छी बात यह है कि बुलबुल पांडे का घर टूटने से बच गया। हमें बहुत खुशी है कि ये केस पॉजिटिव तरीके से एंड हुआ है। सो गुड जॉब, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। इनफैक्ट एक काम करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और आज शाम को पिज्जाज हमारी तरफ से। ठीक है? ठीक है मैम। धन्यवाद। करिश्मा सिंह आप रुकिए, तुम जा सकते हो। जय मैम। जय। करिश्मा सिंह, हमें ये बात बहुत अजीब लग रही है कि मीरा जैसी एडवांस मशीन जो है इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो गई है कि उसे लैब भेजना पड़ा। वो तो जाना ही था, हर टीम के डब्बे को कबाड़ में जाना ही होता है। मैडम सर, मशीन हमारा फ्यूचर कभी नहीं हो सकती है। ये बात आज नहीं तो कल सबको समझ में आएगी। चिकन मंडी, मटन मंडी, चिकन चिली, अब दूरी सही नहीं जा रही है, सब कुछ मंगा लूंगा। हे चिटी डिटली, तू क्या खाएगा बता, तेरे लिए क्या ऑर्डर करूं? दोबारा हम कोई सब ऑफर दिया ना, कसम खाकर बोल रहे हैं बाबू, बदनामों का जो पकौड़ा तलने वाला कढ़ाई है ना, उसमें ले जाकर फेंक आएंगे तुमको। अरे तुम तो जानता है यार कि नॉनवेज खाना तो दूर, हम देखना और सूंघना तक पसंद नहीं करते, फिर भी हमारे कान के पास आकर नॉनवेज के एकदम चिकन मटन चिकन डीजे बजा दिए तुम हमारे कान के पास आकर। अरे हम खाएंगे भाई, हम अपना खाना लेकर आए हैं, अपना टिफिन लाए, उसमें हम खिचड़ी लाए, खिचड़ी खाएंगे हम। अरे नॉनवेज नहीं खाना है तो अंडा खाओ, अंडा वेज होता है। कौन कहा तुमसे कि जो अंडा है वेज के श्रेणी में आता है? बिल्लू द चंपर एंड बिल्लू द स्पाय, क्या होता है, जिस अंडे से जीव निकलता है वो नॉनवेज होता है और जिस अंडे से जीव नहीं निकलता वो वेज होता है, तो वेज अंडा खाओ। बाबू तुम्हारा यही सब बात है कि हमको बहुत ज्यादा डर लगता है किसी दिन म्युनिसिपैलिटी का गाड़ी तुमको ले जाकर नाला में ना फेंका है। देखो तुमको खाना है तो खाओ, नहीं तो मैं तो दबा के खाऊंगा। अंडा, अंडे से याद आया, अंडा बिरयानी, अंडे का नाम लिया और अंडे की खुशबू कहाँ से आ रही है? कोई है? मैडम, मैडम, अरे मैडम कोई है? कोई है मैडम? क्या हुआ? एक कच्चा है, फ्राई नहीं किया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट भैया, भैया एक मिनट, क्या है ये क्या है? दूर रखिए, दूर रखिए भैया, दूर रखिए। एक मिनट, शांत 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 हो जाइए। कौन है आप लोग और ये क्या है? पता नहीं कौन है ये लोग मैडम सर, ये हाथ में पता नहीं, देखिए ऐसे ना अंडा लेकर सीधा घुसा यहाँ पर। हाँ फ्राई करके लाते ना। अब आप तो जानती है ना मैडम सर, ये हम ठहरे शुद्ध शाकाहारी आदमी, ये हमारे नजदीक लेकर आ रहे हैं, अगर छू जाता तो अनर्थ हो जाता। यही यही वो तकलीफ है मैडम जी, जिससे हम हस्बैंड वाइफ रोज गुजर रहे हैं। प्लीज जी, तो अब आप प्लीज इत्मीनान से और साफ साफ बताइए कि प्रॉब्लम क्या है। मैडम मेरा नाम है रोहित और यह है मेरी वाइफ मधु, यहीं पास के मोहल्ले में रहते हैं। हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ हो रखा है जिसने हमारा सुख चैन सब कुछ बर्बाद करके रखा हुआ। क्यों, ऐसा क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? वही तो मैं कह रही थी मैडम, हम प्योर वेजिटेरियन है और ये मांस मच्छी मटन अंडा ढंग से ये सब है ना हमारे बस की बात नहीं है, फिर भी रोज जब भी हम अपने घर का गेट खोलते हैं तो रोहित, रोहित जल्दी आओ। क्या हुआ रोहित? ये देखो आज भी हमारे घर के सामने किसी ने अंडे फोड़ के रखे हुए हैं। किसी ने क्या, मुझे पता है किसने किया होगा, ये इसी नीलेश कुमार का काम होगा, आज तो मैं इनकी खटिया खड़ी करके ही रहूंगा। खोदा पहाड़ निकला अंडा और वो भी टूटा हुआ। नहीं मैडम एक बात बताइए, आप सोच कर आई थी क्या, मतलब सच में ऐसा सोची थी कि पुलिस जो है टूटा हुआ अंडा केस सॉल्व करेगी? अरे सब क्राइम थोड़ी है सर। होना चाहिए सर, बहुत बड़ा क्राइम होना चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। एक मिनट, ऐसे लोग मतलब कौन, आपके पड़ोसी वो कर रहे हैं सब? और कौन करेगा मैडम जी, वही तो है जिनके यहाँ शाम को ठूस ठूस के मांस मच्छी खाया जाता है। ढंग से, ढंग से।
ठीक है ना, तो आप उनको बोल दीजिए कि आपको ये सब नहीं पसंद है, आपके घर के बाहर ऐसी चीजें फेंकने से वो परहेज करे। अरे कितना समझाया कितना बोला, लेकिन वो लोग माने तब ना मैडम जी। और मैडम सिर्फ खाने तक की बात होती ना तो फिर भी गनीमत था, लेकिन अब तो वो हमारे रोमियो को जान से मारने की धमकी देने लग गए हैं। वो थैंक यू।